फ्रेंड्स। दोस्तों अक्सर लड़कियां अपने चेहरे को इंस्टेंट फेयरनेस देने के लिए फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, जो कि चेहरे के लिए काफी हद तक अच्छी भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं और उसी फेयरनेस क्रीम से आपके चेहरे पर नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से कि आप अगर फेयरनेस क्रीम लगाती हैं तो उसे लगाने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, अगर फेयरनेस क्रीम चेहरे पर लगाने के बाद आपकी त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली होती है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने चेहरे को अच्छे तरीके से ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा। पॉइंट नंबर टू है एलर्जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी त्वचा को बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती हैं और वही सारे इंग्रेडिएंट्स फेयरनेस क्रीम के अंदर होते हैं। इसीलिए कोई भी फेयरनेस क्रीम खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लें कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपको एलर्जी है। पॉइंट नंबर थ्री, कई बार फेयरनेस क्रीम लगाने की वजह से हमारी त्वचा काफी ज्यादा रूखी हो जाती है, इसीलिए हमेशा किसी अच्छे ब्रांड की फेयरनेस क्रीम का ही इस्तेमाल करें जो आपकी त्वचा को गोरा निखार तो दे लेकिन आपकी त्वचा को रूखा ना बनाए। पॉइंट नंबर फोर है पिंपल्स। कई बार ज्यादा फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने की वजह से और अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसकी वजह से हमारी त्वचा पर पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं और उसके बाद ही किसी फेयरनेस क्रीम को लगाने के बारे में सोचें। सो दोस्तों, ये है कुछ नुकसान जो फेयरनेस क्रीम लगाने की वजह से भी हो सकते हैं, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।